देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। जब उनके कैबिनेट का मंत्री इस तरह की बकवास कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने इस मिनिस्टर के बयान की तस्दीक कर दें। वो क्या कह रहा है, सच कह रहा है क्या? क्या आप काशी, मथुरा, टीली वाली मस्जिद, सुनेरी मस्जिद, जितने आरएसएस के पास जो 30-35 हज़ार मसाजिद के लिस्ट है, क्या वो सब ले लेंगे क्या आप लोग? तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो अपने मिनिस्टर के इस बयान के ऊपर देश को बताएं कि उनकी पॉलिसी क्या है। लेकिन सर, आपने भी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया जहां पे आपने कहा कि एक मस्जिद तो आपने खो चुकी है, बाकी मस्जिद भी आर आल्सो अंडर अटैक, एंड आप कह रहे हैं कि सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। आपके बयान को प्रोवोकेटिव माना जा रहा है और कम्युनल माना जा रहा है, और आपके ऊपर केस भी दर्ज हुआ है सर? देखिए, केस तो दर्ज होते रहता है क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी जो स्पीच हुई है वो सच्चाई पर मुबनी है। क्या बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर के दिन डिमोलिश नहीं किया गया था? और जब डिमोलिश किया गया था तो किसी एक को भी सज़ा नहीं हुई? और मोदी सरकार ने डिसीजन के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? क्या ये बात सच नहीं है कि अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं शहीद की जाती तो कोर्ट का जजमेंट क्या आता? क्या ये बात सच नहीं है कि बग़ैर मुस्लिम पक्ष को बताए ताले खोले गए? जब कंप्यूटर नहीं था तो चंद मिनट की हियरिंग में जज साहब ने 26 या 25 पेज का ऑर्डर दे दिया, और बाद में वही जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि उनको ऊपर से इशारा मिला क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट की दीवार पर एक काले बंदर को देखा। क्या ये बात सच नहीं है कि जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियाँ रख दी गई, उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया? ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फैक्ट है। इसीलिए हमने जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिलीफ के ऊपर आया है, और हमको इस बात का उस वक्त अप्रिहेंशन था जो अब सच साबित हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट है, वो मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बट जैसा जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इन्फेलेबल। अब आप मेरे को बताइए, टीले वाली मस्जिद का किस्सा क्या है? 200 साल पुरानी मस्जिद है, और लुटियंस जब बना रहे थे दिल्ली को तो उसको छोड़कर बनाया गया, तो पहले वहाँ पर गांवों को हासिल किया गया और मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाए। आप मस्जिद के ऊपर नोटिस देते हैं, तो ऐसे कई मसाजिद हैं जहाँ पर संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या उनकी आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब मानने वाले लोग इस तरह के कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर मैं इन कोशिशों को देश के सामने रख रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं तो सच्चाई का काम कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और हम नरेंद्र मोदी सरकार से जानना चाहते हैं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, उस पर भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का क्या मौक़िफ़ है? क्यों नहीं केंद्र सरकार, वजीर आज़म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि हम 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फॉलो करेंगे, उसको अबाइड करेंगे? ख़त्म, किस्सा ख़त्म कर दीजिए ना। जब आप 91 के एक्ट को मानेंगे तो सब किस्से ख़त्म हो जाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि कोई मस्जिद के ऊपर कोई तमाशा ना हो, सब ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, और वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा खुशी का दिन था क्योंकि 6 दिसंबर को वहाँ पर थे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अरे भाई, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप संविधान के ऊपर, आइन के ऊपर ओथ लिए हैं, और आप जिस दिन डिमोलिशन हुआ था उसको आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ, वो प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, वो इंसाइट नहीं कर रहे हैं? एक डिप्टी सीएम रहकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं? और अगर देवेंद्र फडणवीस को इतना हिम्मत अब आ गई है तो कोर्ट में जाकर कहना था कि हाँ, मैंने तोड़ा मस्जिद को, कहना था ना? आपने नहीं कहा, डर के नहीं कहा आपने, और किसी को सज़ा नहीं हुई उसमें। तो डिप्टी सीएम है तो जाके कोर्ट में बोलना था कि हाँ, मैंने तोड़ा था। अब जितने लोग जो बोल रहे हैं, शिवसेना के लोग बोल रहे हैं, बोलिए जाकर कोर्ट को क्यों नहीं कहा आपने? अखबाले जुर्म कर लेते वहाँ पर भाई, अगर आप डरते क्यों हैं जेल से? और ये प्राइम मिनिस्टर की सरकार ने उस क्रिमिनल जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं की। और दूसरा, एकनाथ शिंदे जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही हो, कह रहे हैं कि जो दरगाह है बरसों से, माने 200 साल 300 साल से दरगाह है, बोल रहे हैं उसको हम चेंज कर देंगे। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, आपकी नज़र में सब बराबर होना चाहिए, चाहे किसी का मज़हब हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, या फिर आपके बौद्ध मज़हब के हो या सिख हो। और आप एक समुदाय की, और वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए, एक डिप्टी सीएम रहते हुए इस तरह की बकवास कर रहे हैं? तो ये मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर
और जो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, इन लोगों के हौसले इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि जो जजमेंट आया है बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का और टाइटल डिस्प्यूट का जो मसला, तो उसके बाद ये लोग इनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, अनार्की फैलाने की, इंसाइट करने की, प्रोवोक करने की। एक डिप्टी सीएम है, एक मुख्यमंत्री और एक यूनियन मिनिस्टर है, तो ये सब जिम्मेदारी देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर आती है कि वो देश को बताएं क्या उनकी सरकार की क्या पॉलिसी है, बताएं हमको। सर, कांग्रेस एमपी अब्दुल खलीक ने, कांग्रेस एमपी अब्दुल खलीक ने, 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, आप इस सवाल उठा रहे हैं कोर्ट के जो, तो क्यों नहीं उठा सकते सर? मैं जब तक जिंदा रहूंगा 6 दिसंबर याद दिलाता रहूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं सुनिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल है, तो क्या मैं 6 दिसंबर की याद नहीं दिलाऊं? 6 दिसंबर अगर नहीं होता तो जजमेंट क्या आता? गलती क्या है बोलने में? गोली मारेंगे क्या? गोली चला चुके हैं गाड़ी पे, अभी और चलाइए, और क्या करना है सर? मगर मेरा फ्रीडम एक्सप्रेशन है, मैं एक सवाल तो उठा रहा हूं। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं उठा सकते, तो क्या भाई ये क्या इसराइल है या फिर आपको ये नॉर्थ कोरिया है? जमहूरियत है, मेरा इख्तियार है, मेरा हक है, मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हुकूमत जवाब दें सवाल का। सर, कांग्रेस एमपी अब्दुल खलीक ने योगी सरकार से सवाल किया है सर कि जो अयोध्या में धनीपुर मस्जिद का भी शिलान्यास करेंगे क्या? वो खलीक साहब से खुद पूछ लीजिए, मैं उस पार्टी का ना उनका कोई तर्जुमान हूँ। सर, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप बोल रहे हैं कि फाइनल है, आगे भी जो ज्ञान वापी का भी चल रहा है और कृष्ण, ये सुन लीजिए आप, सुन लीजिए कृष्ण, आप जो मथुरा ईदगाह की बात कर रहे हैं, आज से 55 साल पहले मुसलमान और हिंदू भाई बैठकर उसमें तस्विया कर लिए, कोर्ट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराए। अब आप बताइए, जब 1965 में एग्रीमेंट हो गया और 2024 में आज आप आकर कहते हैं कि हम उस फैसले को नहीं मानते, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की फिर क्या माने हैं? इसीलिए मैं डिमांड कर रहा हूं कि देश के वजीर आजम की जिम्मेदारी है, कि उनकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो खुलकर कह दें कि 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे लिए एक बहुत अहम चीज है, हम उसके लिए उसके ऊपर स्टैंड बाई करते। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाबरी मस्जिद केस में कहा ना इसके बारे में, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब आप कहां जाकर रुकेंगे? आपको मालूम स्वामी विवेकानंदा ने क्या कहा था एक बड़ी इबादतगाह के बारे में? अगर वो बोलूंगा तो फिर तनाजा हो जाएगा। क्या बोला सर? आप पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ते नहीं तो मैं क्या करूं सर? पार्लियामेंट चुनाव आने वाले हैं सर, इसको कम्युनल कहा, आपके स्टेटमेंट को कम्युनल कहा जा रहा है, एंड यू आर ट्राइंग टू डिवाइड, ब्रिंग अ डिवाइड अमंग, ऐसा है ना, असदुद्दीन ओवैसी ही इस मुल्क का सबसे बदनाम आदमी है, बाकी सब राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, दूध के धुले हुए हैं, इनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, इनसे कुछ हो ही नहीं सकता भाई। गांधी के कत्ल से लेके 2002 के गुजरात तक, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से लेके एनकाउंटर में हथकड़ियां हैं गोली मारने से, सब जिम्मेदार मैं हूँ, दूसरे नहीं है, कोई बात नहीं, लगाइए इल्जाम। तो अभी क्या होना चाहिए सर? 22 तारीख को क्या होने वाला है? 22 तारीख को इनॉग्रेशन होने वाला है, तो किस प्रकार का माहौल होना? एक तरफ आप जो है अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे मैं नहीं, मेरी बात, मुझे अपनी बात करने का इख्तियार है, भारत का आईन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान मुझे अपनी बात रखने का इख्तियार देता है। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो कान में रुई लगा लीजिए आप, मगर मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूँ, आप डिसएग्री करिए, मगर आप बोलेंगे नहीं आप नहीं, तुम नहीं बोलना, हम वो कर देंगे, अरे भाई क्या करेंगे आप, वो तो कर रहे हो लोग। देखिए, इस बार उनका स्लोगन है, और इस बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार। देखिए 1989 में बीजेपी को बाबरी मस्जिद याद आई, उसको क्या बोलते हैं, पालनपुर रेजोल्यूशन। उससे पहले ना विश्व हिंदू परिषद बात करी, उससे पहले ना महात्मा गांधी उसके बारे में बात करे, ना वल्लभ भाई पटेल बात करे, ना तिलक बात करे। 1989 में बीजेपी पालनपुर रेजोल्यूशन में राम मंदिर का रेजोल्यूशन पास करी, ये बात आपको समझना है, आप लोगों को, देश को समझना है। उससे पहले इनको याद नहीं था, विश्व हिंदू परिषद बनी 1960s में, उसमें नहीं था ये, पालनपुर का रेजोल्यूशन 89 में बना। अब जाहिर है बीजेपी तो इसी पे पॉलिटिक्स कर रही है ना, आप नौजवान बेरोजगार है, 2 करोड़ नौकरियां देते बोले, आप प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम फरवरी तक 13 लाख देंगे, महंगाई आसमान को छू रही है, मगर आप ये इशू को उठाएंगे, लोग बोल रहे हैं हमारे को खाना नहीं है, तो आप कुछ और देना चाह रहे,
ये उनका असल है एजेंडा, ये है 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन घुस के बैठा हुआ है, 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट हम खो चुके हैं, उसमें देशभक्ति याद नहीं आती। हाँ, आप ये बात कर रहे हैं तो ये देश देख रहा है। सर, नए अमेंडेड लॉ हिट एंड रन को लेकर काफी विवाद चल रहा है। हिट एंड रन का जो लॉ है, मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर इसकी मुखालिफत करा था, मैं स्पीच भी डाला उसकी। क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस में आप 2 साल से 10 साल कर देंगे, ये क्या है भाई, ये क्या बनाना चाह रहे इस मुल्क को आप? ठीक है वो गलत है, क्राइम है, मगर 10 साल कैसा करेंगे आप? और उसमें आप बेल नहीं होंगी। मैं उस वक्त वार्न करा था लोकसभा में मेरी स्पीच में, मगर 306 आपके, आप लोग आज हवा में उड़ रहे हैं, ज़मीन पे पैर ही नहीं है आपके। अब जब पूरे ट्रक ड्राइवर्स निकल गए और पूरा शहर जाम हो गए, शहरा जाम हो गए, रोड पे पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, तो जब इनको ख्याल आया, क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह आवाम रोड पे निकले, डरते हैं लोग? अबे पार्लियामेंट हम बोले आपको वार्न करें, मत करो ये काम आप, मगर आप नहीं सुने। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो नया तीनों फौजदारी का कानून लाए, ये रोलेट एक्ट की याद दिलाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आज महात्मा गांधी और भगत सिंह रहते तो बोलते ये तो रोलेट एक्ट है, ये इससे बहुत नुकसान होने जाएंगे, बहुत से परेशानी होने जाएंगे। आप देखना इसका गलत इस्तेमाल होगा बहुत।